मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साष्टांग प्रणाम पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के कई नेता सीएम शिवराज पर हमलावर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो उन्होंने घुटने टेके हैं, 3 नवंबर के चुनाव आते आते वो जमीन पर लेट जाएंगे। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर शिवराज के मंत्री ने अब पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मैंने देखा अभी तो घुटने टेके हैं, 3 नवंबर के चुनाव आते आते जमीन पर लेट कर साष्टांग करेंगे, क्योंकि वे चिंतित हैं। जैसा कि आपने वीडियो देखा था सांवेर में, उन्होंने बयान दिया था कि हमें तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि सरकार बदलनी है, खरीद फरोख्त करनी है, क्योंकि हम अगर नहीं खरीदते, सरकार नहीं बदलते तो हमको बर्बाद कर देते। कैसे बर्बाद कर देते? व्यापम के केस खुल गए थे, नगर निगम के में भ्रष्टाचार के केस खुल गए थे, सिंहस्थ के में भ्रष्टाचार के केस खुल गए थे, ई टेंडरिंग के केस खुल गए थे, रेत अवैध रेत खनन के केस खुल गए थे। तो ये और मिलावट में जिस और भू माफिया में जो इनके लोग संलग्न थे, जो 15 साल इन्होंने मलाई खाई और जनता को लूटा, वो कमलनाथ जी के सबल नेतृत्व में सारी बातें खुलने लगी थी। और कमलनाथ जी के एक एक निर्णय इन लोगों के खिलाफ थे और गरीब के पक्ष में थे। देखिए, लोकतंत्र में जनता भगवान का स्वरूप होती है, और स्वराज जी इस बात को कई बार कहते कि जनता मेरी भगवान है। क्या लोकतंत्र में जनता के सामने झुकना गलत है? क्या जनता के प्रति सम्मान और श्रद्धा माननीय स्वराज जी ने अगर व्यक्त की है तो इस पर कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? ये तो जनता का सम्मान है।